Have you ever met someone you could not get back down? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives. So yeah, hello, welcome back to our channel. And आज डे है नेक्स्ट डे, आई मीन डेट है 2 एंड जो टाइम हो रहा है वो रहा हमारा 9 o'clock. और अभी हम जा रहे हैं सुबह के, और सुबह हो रही है तो धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो हमसे आँख पीट ऐसे खोली नहीं जा रही हैं. तो अभी हम चदौसी के ही अंदर हैं एंड हम जा रहे हैं वही जो गणेश मूर्ति थी. कल तो हम उसको देख नहीं पाए ना, ब्लॉगिंग कर पाए उसकी. तो अभी मैं और दुष्यंत दोनों ऐसे ही मतलब बिना नहाए घर से निकल गए कि हम अभी आ रहे हैं 15-20 मिनट में घूमने के लिए आए हैं. हाँ हाँ हाँ, अभी तक गणेश मूर्ति का आपको दिखाएंगे. हाँ, यहीं पे दिखाएंगे आपको. आप भी गूगल पे सर्च करना, यूपी में सबसे लंबी बिल्डिंग यही है गणेश की. तो अभी इसके अंदर जाने से तो मना किया हुआ है, तो हम आपको साइड से दिखा देंगे. ऐसे अंदर जाएंगे तो वो भैया डांटे नहीं, एक बार ही देख लेते हैं अंदर जाने का सीन. अंदर चल के देखें, चलो गाइस देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं. वो डांटेंगे तो फिर निकल जाएंगे, वरना चले चलेंगे, है ना. तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ. तो अभी गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ताला लगा हुआ है छोटे वाले से भी एंड बड़े वाले से भी. तो अभी हम आप लोगों को इसको साइड से दिखा देते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लंबी है ना, तो साइड से भी दिख जाती है. एंड जो इनके जो ओनर हैं, जो भी हैं, आई मीन मतलब ये मेडिकल एक सामने, वो डांटते भी हैं अगर इसके अंदर जाता है तो कोई बच्चा वगैरह. बिकॉज हाँ, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब अभी पेंटिंग वगैरह रह गई है, तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है. परमिशन नहीं है, हाँ, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है. तो अभी ये साइड में मार्केट है हमारी, ये ऐसी अभी बनी नहीं है. यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप लोग, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी. तो अभी यहीं से दिखाई देते हैं हम आप लोगों को. काफ़ी बढ़ गया है ना यार, काफ़ी अच्छी भी लग रही है देखने में, अच्छा व्यू आता है. अभी तो खैर धूप है, हम तो ऊपर नजर उठाई नहीं पा रहे, लेकिन शाम के टाइम इतना काफी अच्छा दिखता है. हाँ हाँ हाँ, शाम के टाइम ना जब सनसेट होता है जब तो और ही अच्छा लगता है ना. तो ये देख सकते हो, ये हमारे ऊपर पेड़ है ये वाला. एंड अभी हमको भी काफी एक्साइटमेंट हो रही है. तो कैसे दिखाएं हम आप लोगों को दोस्तों, फ्रंट से ही दिखाएं बैक से? फ्रंट से दिखा देते हैं ना, फ्रंट से. चलो आप सबसे पहले फ्रंट से देखो, ये देखो अभी इसके लिए. उधर से दिखा दो ना. कहाँ से? नहीं इधर से दिख जाएगी. ये देख सकते हो आप लोग, ये ऐसी कुछ है, देख रहे हो गए ये ना. ये ऐसे फोटो में जो है ये काफी छोटी लग रही है, बट ना ये वैसे व्यू देखा जाए इसका तो काफी लंबी है. वैसे हम इसके थोड़े बहुत सिनेमेटिक्स ले लेंगे, तो आप उसमें देख लेना अच्छे से. वैसे वो अंदर जाने देते ना तो काफी अच्छा होता, क्योंकि नीचे से जो दिखती है ना बिल्कुल जस्ट इनके नीचे से, और फिर ऊपर देखते हैं तो काफी बड़ी दिखती है. एंड धूप गाइस इतनी हो रही है कि आंख खुली नहीं रही है हमारी. तो अभी हमने थोड़े बहुत सिनेमेटिक्स ले लिए, बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये वाला जो पेड़ है ना ये पूरा लेने नहीं दे रहा है. तो अभी हम वो देख सकते हो आप लोग, वो उसके ऊपर जाएंगे, वो मिट्टी का जो ढेर पड़ा है. आ जाओ दोस्तों, ट्राई करते हैं. हाँ ट्राई कर लेते हैं, जहाँ से अच्छा एंगल बैठे व्यू का, जहाँ से अच्छे सिनेमेटिक्स आए हम वहीं से. यहाँ पे पैर फिसलते हुए दोस्तों, भाई घर मत जाना, चल पहले तू सर. तो फाइनली हम दोनों ही आ चुके हैं यहाँ पे, काफी ऊंचा है ये देख सकते हो. यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से भी आए. हाँ वहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से भी दिखाते हैं ना, यहाँ से घूम के दिखा दो. कल शाम तो आ नहीं पाए थे, बिकॉज फिर ऐसा ही सनसेट भी हो गया था तो अंधेरा आ रहा था. एंड हम सुबह उठे ही नहीं, बिकॉज हमारी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी. अब तो हम चलते हैं, ये सोते रह गए, मैं घूम के आ गया था, लेकिन मैंने हाँ, कहा भी था लेकिन मानती नहीं. ये देखो भाई, ये अगर इसमें के लिए ना तो काम खत्म दोनों का ही.
संभाल के मैं उतर आऊँ। अरे नहीं इधर से आएंगे। अरे भाई उधर से नहीं, अरे उधर टीन है यार गिर जाएगा। मैं उतर आऊंगा ना। अरे उधर से ही रुको। देख रहे हो आप लोग इसको जिद कर रहा है कि इधर से ही जाऊंगा। उधर नीचे वो भी पड़ी है आयरन की शीट एक। तो इधर से कहाँ ले जाओगे? इधर से ही चलेंगे आज। उधर से उधर कटते हैं भैया। चलो इधर साइड से देखते हैं। तो काफी मेहनत और मशक्कतों के बाद हम चढ़ तो गए थे, बट अभी यहाँ से कट्टो पे कूद जाओ ना। कट्टो पे कूद रहा है। हाँ छोड़ दे छोड़ दे, मैं कूद जाऊँ। छोड़ अब भाई आ, धीरे धीरे बैठ के ही आ जा। ला हाथ दे मुझको। अरे हाथ दे ना। हाथ दे हाथ हाथ दे बस कट्टो पे रख। सब गंदे से बचे दोनों के। मैं तो आ गया था अच्छे से, दस्तू बचा है। सो यार फाइनली अब हम घर पे आ गए थे, क्योंकि जब क्या हुआ कि हमारे जो ओवर हीटिंग का मैसेज आया और फिर मोबाइल जो हमारा ऐसे हैंग होने लग गया पूरा का पूरा लैग, और फिर नोटिफिकेशन आने का, फिर मैंने रिबूट करा फिर भी नहीं हुआ, फिर अब हम घर पे आ गए थे। एंड अभी तो हम निकलने वाले हैं यहाँ से घर से। एंड वो खड़ी हुई है हमारी कार, बस अभी हम थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। बस अब ब्रेक जो है वो बबराला में लेंगे, एंड फिर उसके बाद जो है फिर हम सीधे अनूप शहर रोड से होते हुए सीधे हम वहाँ पहुँचेंगे अपने खुर्जा, और फिर वहीं चल के मिलते हैं। एंड वहाँ पे तो हमारी चलती रहती है दिनों रात कुछ भी व्लॉगिंग वगैरह। बस यहाँ पे ना वैसे यहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। हम वहाँ गए तो उन अंकल जी ने डांट दिया, हम सुबह गए तो अभी देखो ये क्या कर रहा है। हम वहाँ गए तो वहाँ हमारा क्या होने लग गया पूरा का पूरा हीटिंग का मैसेज आने का, फिर लेग दूसरे को बताया वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ। वहाँ पे मतलब काफी धूप थी और ओवर हीटिंग का हम पे मतलब रुका नहीं रहा है वहाँ पे, थोड़े बस सिनेमेटिक्स लेके फिर हम आ गए थे वहाँ से, और बट हाँ हीटिंग का मैसेज आने का। लेकिन हमने तो ना हमने तो एक बार को गर्मी सहन कर लिया, हम तो करते गए ब्लॉगिंग बट लेकिन ये नहीं कर पाया, लेकिन मोबाइल नहीं कर पाया बिल्कुल भी। और एक और चीज है वो तो सही, हमारा एंड्रॉइड फोन है, अगर होता ना आईफोन वगैरह तो उसमें तो और जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है ऐसा है ना। मैंने देखा था एक ब्लॉग में जिसमें वो बता रहे थे कि आईफोन में और जल्दी आ जाता है, तो वो ऐसा कुछ फीडबैक दे रहे थे उसका कि बिल्कुल भी फायदा नहीं है, इतने महंगे महंगे फोन लो और फिर ऊपर से जो है ऐसे करके इसमें ओवरहीटिंग का इतनी जल्दी मैसेज आ जाता है। तो अभी हमारे टीका वगैरह हो चुका है, बिकॉज ऐसे जाते हैं ना तो ऐसे कराते हैं, और मीठा जो खिलाते हैं वो भी खा लिया हमने। तो हम टीका वगैरह आप देख के समझ गए होंगे कि हम बस निकलने वाले हैं अभी कुछ मिनटों में, बस थोड़ा सी देर है। और मैंने जो है ऐसी टी शर्ट और नीचे शॉर्ट डाला हुआ है, बिकॉज कार ड्राइविंग करने में ना जीन्स वगैरह कम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ना हमारा ये जो घर है जो हमारे रिलेटिव्स का घर है वो बिल्कुल रोड साइड ही है, तो आप काफी सारी साउंड आ रही होंगी हॉर्न्स वगैरह की, आप व्हीकल की। हाँ ये बाहर का सीन ये है, मैंने अभी कार दिखाई है, ये देख सकते हो बिल्कुल मेन रोड पे ऑन रोड ही घर है, तो इस वजह से काफी सारी वो हो रही है। और एक कार के पीछे पार्क भी उधर। हाँ उधर पार्क भी, उधर ट्रैम्पोलिन भी तो था। हाँ वो है तो अभी ट्रैम्पोलिन भी दिखाएंगे, बट काश हम उस पे कर पाते फन, बट हम नहीं कर पाए बिकॉज हम कल थके हुए थे काफी ज्यादा, फिर हमने कुछ नहीं करा। लेकिन हाँ आप लोगों को दिखा देंगे, यही है बिल्कुल कार है ना ये, इस कार के जस्ट पीछे ही है, तो अभी आपको दिखाएंगे जब चलेंगे ना यहाँ से जब दिखाएंगे। तो अभी ये देख सकते हो आप लोग यहीं पे है, जस्ट इसके पीछे ही देख सकते हो, बट ये बच्चों वाले ही है, ज्यादा बड़ा वाला नहीं है। तो मैं इस वजह से भी नहीं गया यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे, क्योंकि वेट के हिसाब से होता है ना, ये वेट के हिसाब से मना कर देते हैं। एंड वो खड़ी हुई है हमारी कार, वो रेड वाला जो है ये हमारा घर था बिल्कुल ऑन रोड ही, एंड यहाँ पे जो ये चौराहा है पूरा, तो काफी अच्छा सीन था ऑन रोड का। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा, और अब हम चलते हैं।